हेलो, वेलकम टू बीट इन्फोटेक एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मेरे बताया हुआ था कि सफ़र प्रोजेक्ट करके हमारा जो बीट इन्फो टेक्नोलॉजी है वो कंपनी का एक प्रोजेक्ट हम लोग सफ़र जिसके ऊपर वर्क कर रहे थे, जिसका इंटरसिटी मॉड्यूल जो हमने डिज़ाइन करके रख दिया हुआ था, अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले डेटाबेस देखेंगे। तो पहले डेटाबेस देखते हैं। डेटाबेस जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है, ये है हमारा सफ़र इंटरसिटी का पूरा डेटाबेस। ठीक है, ये डेटाबेस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर OTP सेंड करना है। तो OTP किस तरीके से सेंड करेंगे, यूज़र टेबल के थ्रू। यूज़र टेबल में मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है ID, नेम, नंबर, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट। ठीक है, अभी OTP सेंड करना है। तो OTP सेंड करने के लिए हमें चाहिए OTP। तो स्ट्रक्चर में जाके यहाँ पर मैं एक फील्ड ऐड कर दूँगा आफ्टर नंबर, जिसका नेम भी रख देंगे हम OTP, इंटीजर ही आएगा, साइज उसका ले लेते 11 और सेव कर देते। ठीक है, यहाँ पे देखो एक नया फील्ड बन गया OTP करके। अब हम क्या करेंगे, अब हम रैंडम 6 डिजिट का एक OTP जनरेट करेंगे और सेंड करेंगे यूज़र को। तो ये मेरा जो है वो प्रोजेक्ट का लारावेल का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिया जाता है, ऐप बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िग। तो डेटाबेस ENV में मैंने कनेक्ट कर दिया है ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है, अब हमें राउट चेक करना है। राउट के अंदर हम क्या बना रहे हैं, API बना रहे हैं। तो API के अंदर यहाँ पर एक राउट में पोस्ट, एक ही API है बना के रखा हुआ है मैंने सेंड OTP करके। तो कंट्रोलर के अंदर सेंड OTP करके फंक्शन होगा, जो फंक्शन के अंदर हमें देखना है कि अभी क्या दिया हुआ है। तो कंट्रोलर के अंदर ये रहा सेंड OTP। ठीक है, यहाँ पर नंबर भेजेंगे, डेटा में आएगा, डेटा में आके सेव हो जाएगा। यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो चेक कर रही है कि नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है। ठीक है, अगर हाँ नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो यहाँ पर मैसेज दे देते हैं कि सक्सेसफुल रजिस्टर्ड। ठीक है, तो सक्सेसफुल सेंड OTP आएगा, सॉरी सक्सेसफुल सेंड OTP। तो यहाँ पर सेंड OTP का सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा, मेरे पास अभी मैंने परचेस नहीं किया हुआ है OTP का जो भी पैकेज है वो मैं परचेस कर लूँगा। और जब भी यहाँ पे वो OTP इंटीग्रेट करूँगा मैं आपको बताऊँगा कि वो OTP किस तरीके से सेंड होता है। पर जो लॉजिक मेन लगता है वो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लगा देते हैं। जो लॉजिक है वो लॉजिक आएगा 6 डिजिट का रैंडम करके आता है, रैंडम 6 डिजिट PHP लारावेल। देखते हैं क्या मिल रहा है, ये रहा। ठीक है, इसको यहाँ पर रख देंगे तो ये 6 डिजिट रैंडम नंबर आ गया, जिसका नाम हम चेंज करके OTP 6 कर देंगे। और ये OTP 6 को यहाँ पर OTP के अंदर सेंड कर देंगे। तो जब हम वेरीफाई करने जाएंगे तो वेरीफाई में हमारे पास OTP सेव रहेगा। चलिए अभी इस API को हम टेस्ट करते हैं पोस्टमैन में। तो यहाँ पर मैंने मेरा URL ले लिया है, फिर API के अंदर सेंड OTP कॉल करना है मुझे। ओके, ये मैंने किया सेंड, सक्सेस सेंड OTP का मुझे मैसेज मिल चुका है। अभी हम यहाँ पर डेटाबेस में चेक करेंगे,
हाँ 22:73:50 ये हो गया हमारा सक्सेसफुल्ली, ओटीपी सेंड भी हो गया और यूज़र इनसाइड भी आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो एपीआई हमने बनाई हुई है, ये एपीआई को हम कॉल करेंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में। तो ओपन कर लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, और ये मेरा जो है उसको पहले तो मैं रखूँगा फ्रंट में, फ्लैट ऑन टॉप। ओके, अब एंड्रॉयड स्टूडियो, मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो, प्रोजेक्ट ओपन हो गया है हमारा सफ़र इंटरसिटी। अब लॉगिन स्क्रीन यहाँ पर आ गई, हम लॉगिन स्क्रीन के अंदर आ गए। तो पहले हम एक बार एप्लीकेशन रन कर लेते हैं ताकि डिज़ाइन जो भी है प्रीवियस थोड़ा हमारा रिवीजन हो जाए। हमारा इम्यूलेटर भी स्टार्ट हो गया। इसके अंदर पहले प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। और आप लोगों को सफ़र के अंदर अगर राइड्स लेनी है, वो राइड का एंजॉय लेना है, तो प्ले स्टोर पे आपको सिंपली सर्च करना है सफ़र, सफ़र राही, और वहाँ पे आपको जाके सूरत के अंदर आप कहीं पे भी राइड ले सकते हो। ये हमारा ऐप ओपन हो चुका है। हाँ, तो यहाँ पर जो दिया है मोबाइल नंबर पासवर्ड, अब हमें पासवर्ड यूज़ करना ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड को पहले तो निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड को निकाल दिया हमने, तो क्या आएगा, मोबाइल नंबर, और यहाँ लॉगिन की जगह पर मैं लिख दूंगा सेंड ओटीपी, SEND OTP। ठीक है, और साइन अप का बटन भी नहीं आएगा क्योंकि हम साइन अप नहीं करवाएंगे। और हमारा जो ये डिज़ाइन है उसको थोड़ा परफेक्ट कर देते हैं विथ हाइट। ओके, अब इसको डाउन करेंगे तो एकदम सेंटर में आ गया। हाँ, बढ़िया सा प्यारा सा दिख रहा है, विथ सही है। सेंड ओटीपी, अब जैसे ही सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये तो डिज़ाइन है हमारा, इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। यहाँ पर इसको साइन आउट करते हैं तो हाँ साइन पे गया। सेंड ओटीपी का बटन कहाँ पर है, ये रहा, बॉटम होम स्क्रीन पे डायरेक्ट जंप करवा दिया है मैंने, क्योंकि डिज़ाइन बनाया था तो वो तो ऐसे ही होगा। तो अब यहाँ पर मुझे जंप नहीं करवाना है कहीं पर भी, जैसे सेंड ओटीपी क्लिक करूँ तो मुझे एपीआई, सॉरी, सेंड ओटीपी का एपीआई कॉल करना है। तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा मुझे एंड्रॉयड के अंदर मैनिफेस्ट में इंटरनेट की परमिशन ली हुई है हम लोगों ने, नहीं ली है, तो यहाँ पर पहले तो इंटरनेट की परमिशन देनी है। तो यहाँ आएगा परमिशंस नेम इंटरनेट, इंटरनेट परमिशन नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इसमें जाके देख लेंगे परमिशन क्यों नहीं आ रही है। ये रहा बेसिक सिंटेक्स, बस यही सिंटेक्स होता है, तो इसको ही हम फॉलो करेंगे। इंटरनेट, इंटरनेट की परमिशन दे दी, ताकि क्या होगा कि जब एपीआई कॉल करेंगे तो इंटरनेट की परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट रहे हमारे पास। ओके, अब
एक बार डिबग में देख लेते हैं। डिबग में तो आई थिंक होगी, हाँ देखो डिबग में तो बाय डिफॉल्ट दी हुई है, पर ये मेन में करना है कि जब भी हम एप्लीकेशन हम रिलीज़ करेंगे और प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करेंगे तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि इंटरनेट की परमिशन ही नहीं है और पूरा एपी ना वर्किंग हो। तो ये सब छोटी छोटी बातें वो ध्यान में रखनी है हमें। इंटरनेट की परमिशन दे दी, अब इसके बाद में हमें करना है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में लॉगिन स्क्रीन और ये रहा मेरा स्टैटिक विगेट। तो स्टैटिक विगेट में मैं यहाँ पर बनाऊँगा पहले तो वेब बेस यूआरएल। तो मेरा बेस यूआरएल क्या है, चलिए कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये बेस यूआरएल है इतना, ये है बेस यूआरएल, ठीक है। अब मेरा लॉगिन का यूआरएल क्या है, तो लॉगिन है मेरा सॉरी सेंड ओटीपी, तो सेंड ओटीपी। तो यहाँ पर जाके हम हमारा जो API है उसका नाम लिख देंगे सेंड OTP, बस इतना ही है। अब हमें क्या करना है, OTP सेंड करना है। तो इतना करने के बाद में अब हमें देखना है पब्लिक स्पेक YML फाइल के अंदर हमने, हाँ यहाँ पर DO लिया हुआ है जिसके थ्रू हम API कॉल कर सकते हैं और हाँ DO के थ्रू कर सकते हैं। DO को देख लेते हैं कहीं पर यूज़ किया है कि नहीं किया है, नहीं अभी तक नहीं किया है। अब हम सिंपल एक चीज़ करेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे और सर्च करेंगे कि हाउ टू कॉल पोस्ट API इन फ्लटर यूजिंग DO। ये आ गया API कॉल करने का, फर्स्ट ओवर फ्लो में देख लेते हैं। एक बार हमारा जो ये फॉर्मेट है एक बार बन गया फिर तो मतलब के बहुत स्पीड में चलेगा वर्क। जो मेन होता है ये सारा बेस ही रेडी करना रहता है हमें। लॉगिन स्क्रीन स्टैटिक विगेट के अंदर यहाँ पर ये पूरा रख देते हैं। हमारा ऐप यूआरएल क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा ऐप यूआरएल रहेगा बेस यूआरएल प्लस सेंड OTP, ये हमारा ऐप URL है, ठीक है। ऐप URL फॉर्म डेटा इंपोर्ट लाइब्रेरी गेट कनेक्शन कौन सा है DO, हाँ DO का हो गया यहाँ पर। अब यहाँ फॉर्म डेटा में हमें क्या भेजना है, हमें भेजना है नंबर और कुछ भी नहीं, नंबर सब निकल जाएगा, खाली कॉन्टेक्ट आएगा, ये भी नहीं चाहिए हमें। फिर आएगा रिस्पॉन्स के अंदर अगर एरर आती है तो इसको कमेंट कर देते हैं। फिर अब क्या करना है, हमें लॉगिन API खाली कॉल कर देना है। इज लोडिंग ट्रू करेंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है अभी।
अब हमें करना है लॉगिन पेज पे जाना है और यहाँ से एपीआई को कॉल करना है। अभी कॉल करने में क्या होगा, एक दो हमारा क्लास कौन सा है, स्टैटिक क्लास, स्टैटिक विगेट, स्टैटिक अंडरस्कोर विगेट डॉट स्टैटिक विगेट का क्लास का नाम क्या है, अच्छा टू कंट्रोलर, तो ये आएगा बाहर आएगा स्टैटिक विगेट की। को वेरिएबल क्लास के अंदर डाल देते हैं हम लोग पूरा। ताकि यहाँ पर इजीली एक्सेस हो जाए। लॉगिन एपीआई जो हमने बेस यूआरएल यहाँ पर लिया था और स्टैटिक जो भी कीवर्ड हमें लगाना है वो सब के आगे लगा देना है ताकि ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें एक्सेसिबल रहे। अब लॉगिन एपीआई को कॉल करते हैं कहाँ से, तो वेयर डॉट लॉगिन एपीआई, तो सिंपली इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, हमारा एपीआई कॉल हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और यहाँ से ये एपीआई भी कॉल हो जाएगा। और हम एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न में करेंगे ट्रू, रिटर्न में कर देंगे ट्रू, फंक्शन ले लेते इसको ऑब्जेक्ट, यस हाँ, तो ये आएगा ट्रू। यहाँ पर इसको फॉल्स दे देते हैं, FALSE फॉल्स, और अगर कैचे में गया तो फॉल्स, अगर रिस्पॉन्स डेटा एरर, रिस्पॉन्स डेटा एरर नहीं, यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट तो तो हमने मतलब जो हमारा जो एपीआई है, एपीआई को यहाँ पर स्टैटिक विगेट के अंदर पूरा लिख दिया है कोड हमारा हमने, ठीक है। अब भी यहाँ पर कोड थोड़ा समझ लेते हैं, लॉगिन एपीआई, बेस यूआरएल और सेंड ओटीपी दोनों कंबाइन कर दिया। फॉर्म डेटा के अंदर हमें क्या करना है, एपीआई के अंदर नंबर भेजना है, तो हमने ये नंबर फील्ड ले लिया, जहाँ एपीआई कॉल करेंगे वहाँ से ये नंबर भेजेंगे। फिर डीओ, फिर डीओ डॉट पोस्ट एप यूआरएल, डेटा के अंदर नंबर जाएगा और यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। और जैसे ही प्रिंट होगा और स्टेटस कोड हमारा आएगा 200, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ मोबाइल के नीचे एक ओटीपी का बॉक्स जो है वो विजिबल कर देंगे,
तो पहले वो करते हैं, यहाँ पर पासवर्ड का हमने पहले लिया हुआ था तो उसका नेम चेंज करके विगेट ओटीपी टेक्स्ट फील्ड कर देते हैं, विगेट ओटीपी टेक्स्ट फील्ड। और कंट्रोलर का यहाँ पर लिया हुआ है उसको कर देते हैं ओटीपी कंट्रोलर। नेम सबका जो भी है ओटीपी है तो ओटीपी ही लेना है, नहीं तो जब कोड बड़ा हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है सब चेंज करने में। यहाँ पर लिखेंगे हिंट में एंटर ओटीपी, ठीक है, ये हो गया हमारा ओटीपी का टेक्स्ट फील्ड। इसको बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है हमें इसके नीचे, मोबाइल नंबर के नीचे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा विगेट ओटीपी टेक्स्ट फील्ड आएगा। अब सिंपली सेव करता हूँ, देखो एंटर ओटीपी, ओटीपी विजिबल इनविजिबल दिया हुआ है लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हम निकाल देंगे। ये रहा प्रीफिक्स आइकॉन जो अभी काम का नहीं है हमारा, सेट स्टेक आइकॉन डिलीट, डिलीट का कहाँ दिया हुआ है देखते हैं। अच्छा ये डिलीट है, ये चाहिए हमें डिलीट। और दूसरा आई वाला आइकन जो यहाँ पर दिया हुआ है, सिक्योर और ऑफ सिक्योर करके दिया है, इसको कर देंगे हम कमेंट और कमेंट करके करेंगे सेव। हाँ अब कुछ भी लिखेंगे लिखा जाएगा, लेकिन अभी इसके अंदर जो हमने लिखा हुआ है वो एक्शन डन मैक्सिमम लेंथ करें देंगे 6, फिर इनपुट ओनली नंबर ही होना चाहिए, अगर नंबर ही होना चाहिए तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए आएगा टेक्स इनपुट, टेक्स इनपुट फॉर्मेट मोबाइल नंबर में देखो खाली नंबर ही आ रहा है तो उसमें कैसे किया है वो एक बार देख ले यार। अच्छा कीबोर्ड टाइप नंबर, तो यहाँ पर भी नंबर ही देंगे, ठीक है कीबोर्ड टाइप नंबर। तो यहाँ अभी एंटर ओटीपी में आएगा तो नंबर ही आएगा, और नंबर भी 6 से ज़्यादा कोई एंटर नहीं कर पाएगा इस तरीके से। ये इतना हो गया, अब क्या होगा, अब इसको हम रखेंगे विजिबल के अंदर, जो विजिबल और इनविजिबल हमें करवाना है। ये चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर ये आ गया ओटीपी का फील्ड, इसको कर देते हैं बन, ठीक है। अब यहाँ पर विजिबल, विजिबल करके एक बुलियन लेना होगा हमें, जो बुलियन हम लेंगे हमारे स्टैटिक विगेट के अंदर ही लेंगे, जो भी लेंगे वो सब यहाँ पर स्टैटिक विगेट के अंदर ही बनाएंगे, ताकि जो भी हमारा वेरिएबल है और जितना भी मतलब डॉक्यूमेंट है या फिर कैसे होता है कमांडी, कमांडी से डायरेक्ट कॉपी होता है, तो इसका नाम हम लेंगे इज ओटीपी, इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम कर देंगे फॉल्स, फॉल्स, तो ये विजिबल हो जाए। उस तरीके से हम लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर इज ओटीपी वेरिएबल डॉट इज ओटीपी, वेरिएबल डॉट इज ओटीपी, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है तो हम सेव करते हैं इसको, देखो चला गया, ठीक है। अब ये ट्रू कब होगा, तो अब ये ट्रू होगा यहाँ पर से स्टैटिक विगेट, विगेट के अंदर लॉगिन की एपीआई, एपीआई के अंदर जब भी स्टेटस कोड आएगा 200 तो ये ट्रू हो जाएगा, सिंपल। ओके जैसे ही वो तो एक बार हम चेक कर लेते हैं सेंड ओटीपी करके, और ये जब ट्रू हो जाए तो सेंड ओटीपी बटन हाइड होना हो जाना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे एक और कंडीशन हम लगा सकते हैं सेंड ओटीपी बटन की, बटन कहाँ है ये रहा बटन, हाँ
बटन के ऊपर क्लिक होने के बाद में ये हो रहा है। तो यहाँ पर इज ओटीपी इज इक्वल टू अगर ट्रू है तो ये हम टर्नरी कंडीशन लगा रहे हैं, अगर ट्रू है तो ये कॉल करेंगे हम वेरिएबल डॉट लॉगिन यूज़र की एपीआई, अदरवाइज वेयर डॉट लॉगिन यूज़र होगा। अभी ये एपीआई हमने बनाई नहीं है तो इसकी मेथड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रिएट, स्टैटिक करके क्रिएट तो हो गया, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर ऑब्जेक्ट इसके साथ क्रिएट करना है मुझे, ताकि मैं रिटर्न करवा पाऊँ। रिटर्न के अंदर, रिटर्न में क्या आएगा, ट्रू दे देते हैं, बस फिनिश, सिंपल है। फॉल्स फॉल्स 200, यहाँ पर ट्रू होके यहाँ इसको देंगे ट्रू। ओके, ये हो गया हमारा कोड। अभी लॉगिन यूज़र कहाँ कॉल हो रहा है, यहाँ पर से। तो हमें देखना ये है कि इज ओटीपी अगर ट्रू है तो फिर मैं जब भी ये बटन को ये करूँ, बटन को हाइड अन हाइड ही करवा देते, ये दोनों में इसका नाम भी चेंज करवाना पड़ेगा मुझे वापस से। इज ओटीपी ट्रू, तो बटन का क्या कर सकते, टेक्स्ट लिया हुआ है और टेक्स्ट अलाइनमेंट है कंटेनर के अंदर, टेक्स्ट सेंड ओटीपी, एक काम करते हैं दूसरा ही ले लेते हैं हम लोग, कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो क्या होगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा। लॉगिन यूजर, लॉगिन एपीआई, लॉगिन यूजर और ऊपर आएगा लॉगिन एपीआई, सिंपल। जब भी लॉगिन एपीआई में कॉल करूंगा तो डायरेक्ट इसका नाम दे देते हैं सबमिट। तो यहाँ पर सेंड ओटीपी दे दिया है हमने और सबमिट बटन भी दे दिया है, पर सबसे पहले खाली सब यूज़र को सेंड ओटीपी ही दिखना चाहिए, सबमिट नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो सबमिट है और जो सेंड ओटीपी है, सॉरी सेंड ओटीपी दिखेगा तो सेकंड टाइम चलेगा, क्योंकि रीसेंड भी कर सकते हैं लोग ओटीपी का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबमिट बटन के ऊपर वर्क करेंगे। सबमिट बटन कहाँ गया, ये रहा सबमिट बटन, इंकवेल साइज वेल दिया हुआ है, तो इसको हम रख देंगे विजिबल के अंदर। ठीक है, ये विजिबल के अंदर हमने रख दिया इसको। अब इसका हम विजिबिलिटी एज अ बुलियन ले लेंगे। तो यहाँ पर वेयर डॉट एस बटन, ये हम बुलियन लेंगे एस बटन, क्रिएट लोकल वेरिएबल एन एस बी टी एन। अरे नहीं, यहाँ पर फील्ड एक और बना दी एस बी टी एन, जो बाय डिफ़ॉल्ट वो भी फॉल्स रहेगा, क्योंकि पहले दिखेगा ही नहीं, ये बाद में ट्रू होगा जब ओ टी पी सक्सेसफुल सेंड हो जाएगा तब। तो इसको करते हैं सेव, तो देखो सबमिट बटन चला गया। अब ये कब दिखेगा, तो ये दिखेगा ओ टी पी सेंड सक्सेसफुली के बटन पर, तो कहाँ पर, यहाँ पर सेंड ओ टी पी इज ट्रू, हाँ ओ टी पी ट्रू होगा तो
हमारा आएगा बटन भी ट्रू होगा और ओटीपी का फील्ड जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होगा ट्रू, यहाँ पर ट्रू। तो यहाँ पर हमने ये SBTN को ट्रू कर दिया है, तो ये इससे क्या होगा कि वो ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे हम सेट स्टेट तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टेटफुल विजेट है। स्टेटफुल विजेट तो है। ओके, अब हम ये API को कॉल करके देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, इसको सबसे पहले हमें करना पड़ेगा रिफ्रेश। ओके, रिफ्रेश कर दिया हमारा। पहले एक बार कोड वापस से चेक कर लेते हैं। मोबाइल नंबर के बाद में सेंड ओटीपी सक्सेसफुल्ली, तो पासवर्ड फील्ड दिख जाएगा और उसके बाद में बटन का भी जो भी फील्ड है वो भी विजिबल हो जाएगा, सबमिट बटन वाला। फिर ओटीपी भी सेंड हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ 7990876436 और हम प्रेस करते हैं सेंड ओटीपी किया, होम पेज पे डायरेक्ट आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये रिडायरेक्ट किया हुआ है इसलिए। ओके, पर हमारा API भी कॉल हो ही गया होगा। एक बार पोस्टमैन में चेक कर लेते हैं। सेम नंबर से सेवन कोई भी एरर आती है तो पोस्टमैन में चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एंड्रॉयड में इतना समझ में नहीं आता है। ये नंबर डाल के जैसे ही सेंड OTP करते हैं तो क्या आ रहा है, नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। अच्छा, नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसका मतलब लॉगिन में OTP तो सेट हो ही रहा होगा क्योंकि एक मिनट, हम डेटाबेस भी साथ में ओपन कर लेते हैं ताकि क्या है कि ज़्यादा क्लियर समझ में आए। ओपन होता है तब तक कंट्रोलर ओपन करते हैं। कंट्रोलर के अंदर जो ऊपर कोड किया हुआ है हमने इफ कंडीशन में, वही पूरा यहाँ पर भी करेंगे। और डेटा यूज़र, यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से डेटा आएगा, डेटा ऑफ नंबर OTP सेव, देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। और OTP भी एवरी टाइम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, ओके, अब एक बार पोस्टमैन में वापस से रन करते हैं। ओके, 7555659। ओके, चेंज, हाँ OTP चेंज हो रहा है। अभी डेटाबेस में कोई नई एंट्री हो रही है वो भी चेक कर लेते हैं। कहाँ गया 799, ये वाला है नितिन करके, मैंने रजिस्टर किया ही हुआ है। ठीक है, अगर नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वहाँ पर खाली OTP अपडेट होगा, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो नई एंट्री होगी और उसके साथ OTP चेंज हो जाएगा। ये वापस कॉल करते हैं, वापस एक बार डेटाबेस में देखते हैं रिफ्रेश करके, ये OTP चेंज हो गया। तो सक्सेसफुली OTP सेंड हो रहा है। तो अब हम एक बार क्या करते हैं, हमारे मोबाइल में से यही नंबर को सेंड करते हैं तो हमारे टर्मिनल में आता है कि नहीं आता है वो देख लेते हैं। हमने प्रिंट करवाया तो है, ये रहा रिस्पॉन्स डेटा, ये प्रिंट होना चाहिए हमारा रिस्पॉन्स डेटा। और प्रिंट होने के साथ ही OTP फील्ड ओपन होगा और सबमिट बटन भी दिखेगा। नंबर एंटर करते हैं 7990876436। ओके, सेंड ओटीपी किया तो रिस्पॉन्स में तो कुछ नहीं आया।
क्यों नहीं आया। अब इस कोड को हम करेंगे ट्रेस। ट्रेस में लॉगिन एपीआई यहां पर आया कि नहीं आया, अभी ये सब चेक करेंगे। कोड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो है कोड ट्रेस करना। तो कोड ट्रेस करते हैं ऐसे, ठीक है। और नंबर, अच्छा हम यहाँ पे नंबर तो पास ही नहीं कर रहे, तो नंबर कहाँ से दिखेगा, और आएगा भी नहीं जाएगा भी नहीं। यहाँ पर पास करना है हमें नंबर। नंबर में, नंबर के लिए हमें चाहिए टी कंट्रोलर। ओके, स्टैटिक विकेट में हमने यहाँ पर लिया हुआ है जो कंट्रोलर, कहाँ कहाँ है, ये है एल मोबाइल। कहाँ दिया है, यहाँ दिया है लॉगिन में टी कंट्रोलर एल मोबाइल। ओके, इसको हमें करना है पास। कहाँ पर पास करेंगे, मोबाइल नंबर जहाँ पर हम एपीआई कॉल करेंगे यहाँ पर, तो इसको पास करेंगे तो ये एपीआई में हमें अभी रिस्पॉन्स दिखेगा। देखिए वापस से एक बार मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ, क्या हुआ, एरर क्या आई, टेक्स्ट एडिट कंट्रोल इज नॉट सबस्टाइप ऑफ स्ट्रिंग, कहाँ पर, यहाँ पर। ये हमारा लिंक पूरा बन के आ गया। अब यहाँ पर एल मोबाइल नंबर सेंड कर दिया हमने कंटेक्स्ट के साथ में। इसको पहले निकाल देते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें सब आ रही है। इंटीजर नंबर, ठीक है, ये नंबर को डॉट हैश नंबर, कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है भाई, सॉरी डॉलर सिक्योरिटी फाइल, भूल जाता हूँ कभी कभी इतना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट टैक्स, सिंपल है, डॉट टैक्स के अंदर यहाँ आएगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग आके स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट होगा। अब देखते हैं सेंड ओटीपी करके, ठीक है, नंबर आ गया, रिस्पॉन्स डेटा आ गया, ओटीपी भी हमें मिल चुका है यहाँ पर। एक ही स्क्रीन किस तरीके से रिफ्रेश होता है ताकि रिज़ल्ट इंस्टेंट मिले हमें। फ्रेंड्स ये रिफ्रेश नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, तो अभी हम देखते हैं इसको रिफ्रेश कैसे करेंगे। सेट स्टेट को हमें इनसाइड क्लास वेरिएबल के अंदर यूज़ में लाना है, तो यहाँ पर हम करेंगे सेंड कर देंगे, सेट स्टेट को सेंड करेंगे, सेट स्टेट इसको सेंड करेंगे, और इसमें रिक्वायर पोजिशनल पैरामीटर यस, तो यहाँ पर ये सेट स्टेट आ गया। और हमें क्या रिफ्रेश करना है, ये दोनों वेरिएबल को रिफ्रेश करना है, तो सेट स्टेट बना लिया। फिर में ये मेथड बनती है इस तरीके से, और ये दोनों वेरिएबल को इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर लेने के बाद में यहाँ पे एरर है, कोमा आएगा, कोमा सेट स्टेट के अंदर वो ले लिया। अब हम हमारे ऐप को वापस से एक बार रन करते हैं, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट मिलते हैं हमें, हमारा स्क्रीन रिफ्रेश होता है कि नहीं होता है। मोबाइल नंबर 7990876436। देखो अभी मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक कर रहा हूँ, हाँ ये इंस्टेंट आ गया, देखो एंटर ओटीपी भी आ गया और सबमिट बटन, दोनों ही चीज़ हमें मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबमिट बटन के ऊपर एंटर ओटीपी करके वेरीफाई ओटीपी करेंगे, और वेरीफाई ओटीपी करने के बाद में सीधा ही होम पेज के ऊपर हमें जाना है। तो यहाँ पर हमारा जो भी सेंड ओटीपी वाला फंक्शनलिटी है वो फिनिश हो गया, अब हम वेरीफाई ओटीपी पे मूव होंगे।